Hello everyone, welcome to TechNeroHays and let's start with our daily tech news. पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर में आपको बता देते हैं कि सैमसंग ने अपने दो नए फोन जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और दोनों की मॉडल नंबर, प्राइस और स्पेसिफिकेशन आपको बता देते हैं। पहला जो फोन है वो सैमसंग गैलेक्सी जे मैक्स, ये एक फैबलेट फोन है, यानी कि 7 इंच की आपको उसके अंदर डिस्प्ले मिलती है, 1280x800 पिक्सल का रेजोल्यूशन, 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1.5 जीबी की रैम है, 16 जीबी की आपको इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप पे चलने वाला है, ओल्ड वर्जन हो गया ये तो, भी नया वर्जन तो है भी नहीं, मार्च में होना चाहिए था। 4G सिम फोन है, डुअल सिम का फोन है, 8 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है और बैटरी जो है वो 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। साथ में सैमसंग ने जो एक अपना नया फोन सैमसंग गैलेक्सी J2 का 2016 यानी कि 2016 का नया मॉडल जो वो लॉन्च कर दिया है। ये जो फोन है इसकी जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर्स आपको जो उसमें मिलती है वो है स्मार्ट ग्लो LED नोटिफिकेशन। बैक साइड के अंदर कैमरे के ऊपर एक रिंग है, वहां पे आपको LED नोटिफिकेशन मिलती है, लेकिन ये सिर्फ LED नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन देगी। अगर मैसेज आता है तो ग्रीन होगा, फोन आता है तो रेड होगा और वगैरह वगैरह आपको जो ये मिलता है। J2 2016 की स्पेसिफिकेशन आपको यू मिलती है, 5 इंच का आपको HD का डिस्प्ले मिलता है, 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1.5 जीबी की रैम, 8 जीबी की स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा आपको उसके मिलता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, बैटरी जो है वो 2600 mAh की मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी J2 की जो प्राइस रखी है वो है 9750 और सैमसंग गैलेक्सी J मैक्स की जो प्राइस है वो 13400। तो मुझे लगता नहीं कि ये चाइना के कोई भी फोन से ये दोनों जो है वो कंपीट कर पाएंगे। सबसे बुरी चीज मुझे सैमसंग की ये लगती है कि प्राइसिंग अच्छी रखता है लेकिन रैम में पता नहीं हमेशा 1.5 GB की रैम हमें क्यों देता है इस प्राइस रेंज के अंदर, पता नहीं उसको क्या जाता है 2 GB और 3 GB की रैम देने में। दूसरे फोन से हमें देते हो तो सैमसंग क्यों नहीं दे सकता ऐसे फोन के अंदर रैम, तो यही प्रॉब्लम है। बाकी आप देख लो, अगर आपको L2 Xiaomi जैसे फोन खरीदना है 11-12,000 के अंदर या फिर आपको ये मैक्स जैसे फोन खरीदना है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। बात करते हैं डील की, तो आज की डील में आपके लिए लाया हूं, दो डील लाया हूं। तो पहली जो डील है वो पावर बैंक के ऊपर से आ रही है, लेपी मास्टर का 10,000 mAh का पावर बैंक है, 3 USB पोर्ट के साथ आपको मिलता है, अमेजोन के ऊपर इसकी डील चल रही है। एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हैं 2,219 rupees की थी, उसके बाद जो सेल प्राइस थी वो 7,950 rupees की, लेकिन अभी ऐसा बोला जा रहा है 674 rupees के आपको डील प्राइस मिल सकती है। मैंने जब चेक किया तो डील प्राइस जो वो चली गई थी, तो आपको 750 rupees के अंदर 10,000 mAh की पावर बैंक मिल सकती है 3 USB पोर्ट के साथ। तो आप जा सकते हैं अमेजोन के ऊपर और इसको जो वो खरीद सकते हैं, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी जो डील है वो इंटरेस्टिंग डील है, यानी कि एक वॉच है जैक क्लीन की, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंथेटिक का लेदर ब्राउन का, इसका जो ब्रिस्ट है सिर्फ 99 rupees में मिल रही है और मैंने देखा तो उसका जो शिपिंग चार्ज था वो 118 rupees मतलब मिला के टोटल मुझे मिल रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जा सकते हैं शॉप क्लिक, दोनों की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके दोनों डील जो यूज कर सकते हैं। फ्रीडम की तरफ से खबर आ रही है और आपको बता रहता हूँ कि फ्रीडम के जो 5000 फोन्स थे जो फ्रीडम ने कहा था कि हमने जो डिलीवरी करना स्टार्ट कर देंगे, तो फोन्स की डिलीवरी जो उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दी आज से, और बता रहता हूँ कि उसके अंदर से 2240 फोन्स जो वो स्टार्ट में पहले जो वो डिलीवर करेंगे। अब बता जा रहा है कि ये जो फोन है 2240 फोन, इसके अंदर सेपरेट डिलीवरी जो होगी वो स्टेट वाइज होगी, तो कहाँ कहाँ होगी मैं आपको कितने फोन की बता देता हूँ। तो 390 फोन जो उसमें से डिलीवर्ड होगी वो हरियाणा में होगी, 540 फोन जो होगी वो वेस्ट बंगाल में, 605 फोन हिमाचल प्रदेश में, 484 इन बिहार और 221 फोन जो है वो उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट डे तो दूसरी डे उनका जो फेज होगा डिलीवरी का वो आपको मैं बता देता हूँ वो कहाँ पे होगे। तो वो जो दूसरे डिलीवरी का फेज है यहाँ पे बता रहा है कि उसके अंदर से 223 फोन्स यानी कि 223 फोन दिल्ली में होंगे, 364 फोन जो पंजाब में होंगे, 108 जम्मू कश्मीर में, 521 महाराष्ट्र में, 194 मध्य प्रदेश में, 225 झारखंड में और 365 फोन जो है राजस्थान में। अब यहाँ पे दिखा रहा है बाकी के जो रिमेनिंग 760 फोन है वो जाएंगे यूपी के अंदर मंडे जुलाई 11 से। अब बहुत सारे एरिया भी बाकी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अमाउंट के 7 crore लोगों ने जो इसके अंदर रजिस्टर किया था 5000 फोन्स के अंदर से, अब इन लोग जो तोड़ तोड़ के ये बांट रहे हैं, अब कितने को किसको कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये कुछ आइडिया हमें अभी फिलहाल नहीं है। जियोनी ने अपना एक नया फोन जो है इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जियोनी F103 Pro। बहुत टाइम से रूमर्स लीक्ड और खबरों में था, फाइनली जो उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन और प्राइस दोनों जो सामने आ गई है। इसके अंदर आपको मिलता है 5 इंच का IPS का HD डिस्प्ले, 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का मीडियाटेक का क्वाड कोर का प्रोसेसर, 3 GB की रैम होगी, 16 GB की स्टोरेज होगी और फर्दर आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा LED फ्लैश के साथ, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 4G फोन है, डुअल सिम सपोर्ट करता है और इसके अंदर जो आपको बैटरी मिलती है वो है 2400 mAh की आपको बैटरी मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस इन्होंने रखा है 11,999। जी हाँ,
5 इंच का आपको HD डिस्प्ले दे रहा है, 16 GB की स्टोरेज दे रहा है, MediaTek का कोड कोर का प्रोसेसर दे रहा है, वो भी ऑल जो प्राइस रखा है 11,999। अब आप सोच लो आपको Lear 2 खरीदना है या Xiaomi Redmi Note 3 खरीदना है या फिर आपको Xiaomi का F103 जो खरीदना है। Google Android 1 आपने नाम सुना होगा क्योंकि बैक इन 2014 Google ने अपने बजट स्मार्टफोन जो वो लॉन्च किया था पार्टनरशिप करके माइक्रोमैक्स कार्बन और स्पाइस कंपनी के साथ, इंडिया के अंदर हमें देखने को मिले थे 6000 के रेंज के अंदर, और लेटेस्ट एंड्रॉइड के हमें जो अपडेट उसके अंदर देखने को मिलता था। तो अब बोला जा रहा है कि गूगल का जो फर्स्ट एंड्रॉइड 1 लेटेस्ट जो 2016 वाला मॉडल होगा वो जापानीज कंपनी का होगा, शार्प एक्वा करके ये कंपनी का नाम है, और इसके अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है कुछ इस तरीके की मिलेगी। IP58 सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ आपको उसके अंदर मिलेगा देखने को। 2.5D 5 इंच का HD का डिस्प्ले मिलेगा, उसका जो डिस्प्ले की जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी। गोरिल्ला ग्लास 4 की प्रोटेक्शन के साथ आएगा, स्नैपड्रैगन 617 का इसमें प्रोसेसर होगा, अड्रीनो 405 की GPU होगी, 2 GB की रैम होगी, 16 GB की स्टोरेज होगी, और एंड्रॉइड मार्च मेलो 6 पे मिलेगा, लेकिन ये जब आप उसको आएगा तो अपडेट कर सकते हैं एंड्रॉइड 7 पे, और 2007 में बोला जा रहा है कि एंड्रॉइड ओ अपडेट भी इसमें देखने को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल एंड्रॉइड का फोन है ये, तो हमें जो जैसे माइक्रोमैक्स के फोन पे मिलता था वैसे इसमें भी देखने को मिलेगा। 13.1 MP का रियर फेसिंग कैमरा है और 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और इसके अंदर बोला जा रहा है कि ये जो फोन की जो प्राइसिंग होगी वो $200 के अंदर होगी, यानी कि 12,000-13,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये वो बजट फोन नहीं है जो हम सोच रहे थे कि गूगल एंड्रॉइड 1 हमें देखने को मिलता है। अब पता नहीं इंडिया के अंदर जो एंड्रॉइड 1 के फोन आएंगे फिर से दोबारा अभी आने वाले 2016 में, उसकी प्राइसिंग हमें क्या मिलती है, शायद से हमें 5,000 या 7,000 के अंदर देखने को मिलेगी, या फिर हो सकता है 12,000 के ऊपर भी जो जा सकती है। जो खबर आ रही है वो है फेसबुक की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको पता था कि हमें यूट्यूब में नए नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं, रिसेंटली यूट्यूब ने जो अभी दिया था हमें जो लाइव मोबाइल ऐप के अंदर आप जो वो मोबाइल से लाइव टेलीकास्ट कर सकते थे, तो फेसबुक ने भी हमें वही एप्लीकेशन का अपडेट दिया और हमें फेसबुक में भी वो चीज कर सकते थे। अब आपको जैसे कि पता होगा कि यूट्यूब के अंदर ऑफलाइन वीडियोस हम देखते थे, तो आप जो भी वीडियोस देखते थे तो रात भर डाउनलोड करके ऑफलाइन वीडियो सेव कर सकते थे, बाद में भी ऑफलाइन बैठ के आप देख सकते थे। अब फेसबुक ने भी ये अपडेट निकाला है और फेसबुक के अंदर भी आप जो भी यूट्यूब फेसबुक के ऐप पे जो पेज पे वीडियोस देखते हैं आप उसको ऑफलाइन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में बैठ के जो वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ, तो फेसबुक ने कहा है कि ये अपडेट बहुत जल्दी आ रहा है, और साथ में ये भी बोला कि ये डाउनलोड ऐसे नहीं होगा कि आपकी गैलरी में चला जाएगा फोन की, बल्कि ये फोन के मैसेंजर के एप्लीकेशन के अंदर ही होगा, वहीं पे आप ऑफलाइन उसको सेव कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, और वहीं पे आप उसको जो देख सकते हैं। तो फेसबुक का एक नया अपडेट आ रहा है जो हमें यूट्यूब जैसे फीचर्स उसमें देखने को मिलेंगे। जोपो, जी हाँ, जोपलो नहीं, जोपो। जोपो एक मोबाइल कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर अभी चल रही है, यानी कि चल रही है, अभी इंडिया में आने वाली है, और बहुत सारे फोन इसके जो अपकमिंग इंडिया के अंदर आने वाले। जोपो कलर F2 एक उन्हीं में से एक ऐसा फोन है जोपो की तरफ से जो बोला जा रहा है प्राइसिंग जो उसकी होगी वो ऐसा बोला जा रहा है कि 4,000 रुपीज के अंदर आपको मिलेगा। अब स्पेसिफिकेशन आप सुन लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। 5.5 इंच का आपको HD का डिस्प्ले मिलता है, 2.5 कर्व डी वाला, कोड कोर 64 बिट का MediaTek का MT6737 का प्रोसेसर होगा, 1 GB की रैम होगी, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं, 8 MP का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 2 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, बैटरी जो होगी वो 2300 mAh की मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आपको मिलेगा, और एंड्रॉइड 6 मार्शमेलो पे चलेगा, ब्लैक और गोल्ड और व्हाइट कलर में आपको मिलेगा। इंडिया के अंदर ये लॉन्च करते हैं साथ में जोपो कलर F5 और जोपो कलर C3 भी फोन लॉन्च करने वाले हैं, उनकी प्राइस अलग होगी, लेकिन जोपो कलर F2 पे हमारा फिलहाल फोकस है। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो बजट वेरिएंट फोन होगा 4,000 रुपीज का, अगर होगा ना तो वन ऑफ द बेस्ट फोन होगा 4,000 रुपीज की रेंज में। तब ये लॉन्च होगा तो हम वेट करते हैं और देखते हैं ये जो आया है रूमर्स ये एक्चुअली ट्रू है या फिर ये जो फेक है। Lear Eco आपको बता देते हो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, फिर भी आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि Lear Eco का जो रजिस्ट्रेशन ओपन है और जुलाई 12 तक सुबह के 11 बजे तक आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जिन लोगों को Lear 2 और Lear Max खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं या उनकी Lear Malki.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं और Lear के फोन जो है वो खरीद सकते हैं। जी हाँ, अभी ऐसा नहीं कि ल मुझे रिव्यू यूनिट्स नहीं दिया तो मैं Lear की बुराई करूंगा या कुछ भी बायस बातें करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा हूं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस जो आपको अच्छी चीजें वो बता रहा हूँ। Lear 2 का फोन भी अच्छा है, मैंने यूज किया हूँ, मैंने देखा हूँ तो अच्छा लगा मुझे। Lear Max भी अच्छा है, उनके फोन की डिजाइन भी अच्छी होती है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बस प्रॉब्लम था स्टोरेज के अंदर। तो आप बहुत से लोग मैनेज कर लेते हैं, बहुत से लोग मैनेज नहीं कर पाते। जो लोग मैनेज कर सकते हैं वो जाइए रजिस्टर करिए और जो है वो इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। फाइनल टेक न्यूज आ रही है वो है Huawei और Samsung की तरफ से। जी हाँ, दोनों की तरफ से इसलिए आ रही क्योंकि Huawei ने क्या किया कि Samsung के ऊपर केस कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि Samsung ने उसका जो 4G का उनका कुछ चल रहा है अभी नेटवर्क का, तो लाइसेंस के उसका Samsung ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो Huawei गुस्सा हो गया और Huawei ने जो Samsung के ऊपर जो वो केस कर दिया है। तो आपको पता है ये मोबाइल कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, इनका जो चलता है बिजनेस, तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो एक दूसरे पे यूं फटाक से केस कर देते हैं। तो केस जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कैलिफोर्निया में और शेंजन में,
अब ये केस चलेगा और सैमसंग तो आपको पता है कि माहिर है केस लड़ने में, क्योंकि एप्पल ने पहले केस किया था, सैमसंग ने चिल्लर भर के जो उसको $1 बिलियन उसके कंपनी में भेजा था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था वो। अब देखते हैं सैमसंग इसको कैसे डील करता है, लेकिन ये लफड़ा हो चुका है, केस हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देते। आज की टेक न्यूज जो है यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज जो वो पसंद आई होगी, तो जरूर से मेरे टेक न्यूज पे लाइक छोड़ेगा, इसी तरीके से आपको डेली में टेक न्यूज देता रहूंगा। और मंडे से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं स्मॉल यूट्यूबर जो जिनके सब्सक्राइबर्स 1000 से कम है, अच्छे खासे क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं, तो अब मैंने सोच लिया, मैंने पहले बोला था कि 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं अभी ऐसा नहीं है, अब मैं उनके भी वीडियोस एक्सेप्ट करूंगा, उनको बोलूंगा अच्छे खासे वीडियोस बना, अनबॉक्सिंग रिव्यूज जो भी बनाते हैं इलीगल नहीं होना चाहिए, अच्छे खासे वीडियोस होना चाहिए, खुद के कंटेंट होना चाहिए, मैं अपने चैनल पे उसको आप लोगों को अपलोड करूंगा, उनके लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखूंगा तो उनके चैनल पर हेल्प हो जाएगी। तो जी हाँ, तो मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए स्टे ट्यून करना। और एक और चीज बता दो, मेरे सब्सक्राइबर 7,000 तो क्रॉस हो चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं गिव अवे अनाउंस होने के बाद बहुत सारे लोग ने जो किया कि अनसब्सक्राइब कर दिया, तो ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बहुत बड़े यूट्यूबर्स लोग के साथ भी होता है, सिर्फ कॉन्टेस्ट में एंटर करने के लिए लोग ये सब फॉर्मेलिटीज करते हैं और फिर जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है तो अनसब्सक्राइब कर लेते, कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो कंटेंट डालते रहूंगा, वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, तो फ्यूचर में मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे, तो मैं ये सब चीज को इग्नोर करता हूँ, बस सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचता हूँ। तो बस आज वीडियो में आपको इतना ही बताना था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, till then have a great day and always keep smiling।